हिट कर देते हैं या फिर माउस को पिंच कर देते हैं तो क्या वो रिएक्शन देता है? नहीं देता ना। लेकिन ह्यूमन बींग को अगर आप लोग पिंच कर दिए तो उसे हॉट होता है, उसे फील होता है। तो कंप्यूटर कैन नॉट फील, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, महसूस नहीं कर सकता, फील नहीं कर सकता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा तीनों में? फील होगा करेक्ट ऑप्शन। टू इज, ए कंप्यूटर स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डैश। कंप्यूटर क्या स्टोर करके रखता है? तो कंप्यूटर क्या स्टोर, वाटर स्टोर करता है कंप्यूटर। वाटर को भी स्टोर करता है, रॉन्ग। मनी स्टोर भी नहीं करता, तो क्या स्टोर करता है कंप्यूटर? इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर अपने अंदर डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। तो कंप्यूटर स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। थ्री इज, ए डैश कंप्यूटर इज केप्ट ऑन ए टेबल। कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो कि हम लोग या तो डेस्क पे रखते हैं नहीं तो टेबल पे रखते हैं? हम लोग पढ़े कि डेस्कटॉप कंप्यूटर आर केप्ट ऑन डेस्क और ए टेबल, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर आर रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर आर केप्ट ऑन डेस्क और ए टेबल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर को हम लोग अपने लैब पे भी रख के काम कर सकते हैं, स्मार्टफोन तो हमारे पॉकेट में भी आ सकता है। तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो कि टेबल पे रखते हैं हम लोग? क्या होगा इसका ऑप्शन? डेस्कटॉप कंप्यूटर। सो आपका ए कंप्लीटेड। नाउ बी, राइट ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट इज, ए कंप्यूटर इज फास्टर देन ह्यूमन। क्या कंप्यूटर हम लोग से भी फास्ट काम करता है? तो ये तो बिल्कुल ही सही है। तो क्या होगा इसमें? ट्रू, कंप्यूटर हम लोग से भी फास्ट काम करता है। जैसे कि हम लोगों को कुछ सम्स बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर एक ही सेकेंड में उसका आंसर ला देता है। तो कंप्यूटर इज फास्टर देन ह्यूमन, तो ये ट्रू है। ए कंप्यूटर डज नॉट लेट अस ड्रॉ पिक्चर। क्या कंप्यूटर पिक्चर नहीं ड्रॉ करता है? पिक्चर ड्रॉ करता है ना। आप लोग स्कूल में आते हैं, जैसे आप लोग का लैब होता है तो आप लोग लैब में जाके क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं। तो कंप्यूटर डज नॉट लेट अस ड्रॉ पिक्चर, तो ये क्या है? रॉन्ग है। कंप्यूटर ड्राइंग करता है, कंप्यूटर हम लोग को पिक्चर ड्रॉ करने देता है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। नाउ थ्री इज, ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क कंटिन्यूअसली। क्या कंप्यूटर कंटिन्यूअसली काम नहीं कर सकता? ये भी रॉन्ग है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली इन अ फुल डे। अगर हम लोग कंप्यूटर से पूरे दिन भर भी काम करा सकते हैं तो कंप्यूटर कभी थकेगा नहीं। जैसे हम लोग पूरा दिन काम करके बीच में हम लोगों को रेस्ट चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है, लेकिन कंप्यूटर को, कंप्यूटर नेवर रेस्ट, कंप्यूटर कभी रेस्ट नहीं करता। कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, कंप्यूटर कभी थकता भी नहीं। तो कंप्यूटर कैन नॉट वर्क कंटिन्यूअसली, तो ये क्या होगा? फॉल्स। कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली, कंप्यूटर लगातार काम कर सकता है, तो ये फॉल्स होगा। फोर्थ इज, ए कंप्यूटर कैन डू बिग कैलकुलेशन इन सेकेंड। हाँ, ट्रू होगा। कंप्यूटर कितना भी बड़ा कैलकुलेशन सेकेंडों में आंसर आ सकता है। कंप्यूटर को कितना भी बड़ा सम्स दे दे, कितना भी लंबे डिजिट का सम दे दे, लैब करोड़ डिजिट का भी सम दे देंगे तो कंप्यूटर एक सेकेंड में उसे पूरा कर सकता है। तो इसका क्या होगा? ट्रू होगा। नाउ सी, मैच दी फॉलोइंग। अब इसमें मैच करना है। तो फर्स्ट इज टू सेंड रॉकेट। हम लोग रॉकेट को स्पेस कहाँ सेंड करते हैं? हम लोग रॉकेट को कहाँ सेंड करते हैं? तो क्या आप होटल में सेंड करेंगे रॉकेट को, स्कूल में सेंड करेंगे? नहीं करेंगे ना। स्पेस रिसर्च, हम लोग रॉकेट को कहाँ सेंड करेंगे? स्पेस रिसर्च, स्पेस में भेजेंगे रॉकेट। किसी को देखो क्या कि रॉकेट घर में ही छोड़ रहे हो? दिवाली में हम लोग जब रॉकेट लगाते हैं तो हम लोग
उसके वो कभी मिस्टेक नहीं करता, इसीलिए हमें वो हमेशा करेक्ट आंसर देता है. इट ऑलवेज गिव्स अस करेक्ट आंसर. इट नेवर मेक मिस्टेक. वो कभी मिस्टेक नहीं करता. इट नेवर मेक्स मिस्टेक. टू इज कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है बहुत लंबे समय के लिए. चाहे वो कितना भी पुराना इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो, अगर हम कंप्यूटर से पूछेंगे तो वो हमें एक सेकेंड में उसका आंसर दे देगा. कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और इट विल नेवर फॉरगेट. और वो कभी उस इन्फॉर्मेशन को भूलता नहीं, हमेशा याद रखता है अपने मेमोरी में. तो कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ इट्स मेमोरी. अपने मेमोरी में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बहुत लंबे समय के लिए अपने अंदर कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है. और सेकेंड क्या है, कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट आंसर. कंप्यूटर कभी गलत नहीं हो सकता, इसीलिए वो हमेशा हमें करेक्ट आंसर देता है. क्योंकि कंप्यूटर इज एन एक्यूरेट मशीन, क्योंकि उसके पास एक्यूरेसी है, इसीलिए वो कभी गलत आंसर नहीं दे सकता है. थ्री इज राइट टू डिफरेंस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड अ ह्यूमन. अब हमें दो डिफरेंस बताना है, किसमें किसमें, कंप्यूटर में और ह्यूमन में. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक. कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता. बट अ मैन कैन डू मिस्टेक. बट इंसान से कभी कभी गलती हो जाती है, बट कंप्यूटर कैन नॉट मेक मिस्टेक. टू इज ए कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन. कंप्यूटर कभी अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता है. बट अ मैन कैन टेक देयर ओन डिसीजन. बट हम लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं. जैसे कि अगर हम लोग को होमवर्क करना है, तो हम लोगों का डिसीजन हम लोग खुद लेंगे कि हम लोगों को होमवर्क करना है या फिर नहीं करना है. लेकिन कंप्यूटर को अगर कहा जाए कि होमवर्क करो, तो जब तक हम लोग उसे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, उससे कुछ काम करने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक वो खुद से काम नहीं करेगा, खुद से अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करेगा. उसे डिसीजन की जरूरत पड़ती है, उसे ऑर्डर की जरूरत पड़ती है अपना काम करने के लिए. तो कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन. कंप्यूटर अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता है. बट अ मैन कैन टेक इट्स ओन डिसीजन. पर हम लोग अपना खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं. Fourth is write any two places where computer are used. अब हमें दो जगहों के नाम बताना है जहाँ हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, एट होम्स एंड इन स्कूल. होम में कंप्यूटर का कैसे यूज करते हैं और स्कूल में कैसे करते हैं. तो एट होम्स कंप्यूटर आर यूज फॉर, घर में कैसे कैसे यूज करते हैं, प्लेइंग गेम्स, लिस्निंग म्यूजिक, डूइंग होमवर्क और वीडियो गेम्स. जैसे हम लोगों को होमवर्क करना है या फिर म्यूजिक सुनना है या फिर होमवर्क करना है अपना, तो ये सब के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज कहाँ करते हैं, घर पे करते हैं. इन स्कूल कंप्यूटर आर यूज टू मेक टाइम टेबल. अब स्कूल में कंप्यूटर का क्या क्या यूज है, टाइम टेबल बनाना, रिपोर्ट कार्ड बनाना और वर्कशीट के लिए हम लोग स्कूल में कंप्यूटर का यूज करते हैं. स्कूल में हम लोग कंप्यूटर का यूज ज्वाइन करने के लिए भी कर सकते हैं. Five is, can computer think and decide on its own? क्या कंप्यूटर सोच सकता है खुद? आप ही लोग सोचिए, क्या कंप्यूटर खुद सोच सकता है और अपना डिसीजन ले सकता है? नहीं ले सकता ना. कंप्यूटर can't think. यही तो प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर सोच नहीं सकता, वो अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकता कि उसे जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो अच्छा दी जा रही है या फिर अच्छा नहीं है, बैड इंफॉर्मेशन है या फिर गुड इंफॉर्मेशन है, उसे ये सब सोचना नहीं आता. कंप्यूटर कैन नॉट थिंक. कंप्यूटर सोच नहीं सकता और ना ही डिसाइड कर सकता है कि ये अच्छा है या फिर बुरा है. हम लोग उससे जो चाहे पूछ सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, वो सबका हमें आंसर देगा. लेकिन जो ऐसा नहीं होगा कि जो अच्छा नहीं होगा वो कंप्यूटर मना कर देगा कि नहीं, हम इसका आंसर नहीं देंगे. तो लेकिन कंप्यूटर में इतनी सोच नहीं है कि वो अपना अच्छा और बुरा सोच सके. लास्ट इज नेम थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. तो थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है?